नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं नैतिक मूल्य के बारे में। नैतिक मूल्य क्या है, इथिकल वैल्यूज क्या है? आपको पता होगा मूल्य क्या होता है। सामान्य अर्थ में कहें तो जिसका जितना ज़्यादा महत्व होता है उसका उतना मूल्य होता है। विभिन्न विभिन्न संदर्भ में मूल्य का अलग अलग व्याख्या हो सकता है। जैसे कि अर्थशास्त्र के संबंध में जिसकी जितना डिमांड होगा उसका उतना ही मूल्य होगा। यदि नीति शास्त्र की बात करें तो जो उचित है वही उसकी का क्या है, मूल्य है। जो अनुचित है वह मूल्यहीन है। तो इसी संदर्भ में देखेंगे नैतिक मूल्य है क्या। तो नैतिक मूल्य वे मूल्य जो किसी कार्य, व्यवहार आदि के संपादन में महत्वपूर्ण रूप से अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने के योग्य हैं उसे नैतिक मूल्य कहते हैं। ठीक, यानी वे मूल्य जो सी कार्य व्यवहार आदि के संपादन में, जैसे हमें मान लीजिए CGPSC क्रैक करना है, निकालना है, तो इसके लिए कुछ मूल्य चाहिए इनको निकालने के लिए, कि आप में एक साहस होना चाहिए इसको निकालने का, आप में डेडिकेशन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, सत्यनिष्ठता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए ताकि आप CGPSC निकाल सको, मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो मूल्य हैं इनके द्वारा आप जो है CGPSC निकाल सकते हो। तो कि यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से अपनाए जाने वाले जो मूल्य होते हैं उन्हीं को बोलते हैं नैतिक मूल्य। इसके तहत क्या क्या आते हैं, सत्य, साहस, करुणा, दया, सहानुभूति, ईमानदारी व सत्यनिष्ठता आदि शामिल हैं, जिनका पालन करने की अपेक्षा लोक सेवकों से की जाती है। इसी को बोलते हैं नैतिक मूल्य। ठीक, ये नैतिक मूल्य हमें उचित या अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। तो ये हैं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य कुछ कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लीजिए क्या विशेषताएं हैं। तो नैतिक मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इनको पूर्णतया से प्राप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। आदर्श रूप में होते हैं, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब क्या है, नैतिक मूल्य हैं जो आदर्श रूप में होते हैं। नैतिक मूल्य जन्मजात नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। ठीक, ये जो है हम जन्म से नहीं होता, सीखे जाते हैं। नैतिक मूल्य की स्थापना लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है, अतः ये जो है सापेक्षता स्थिर रहते हैं। ठीक है, मूल्यों में एक सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम मतलब कुछ मूल्य बहुत उच्च स्तर पर होते हैं जिन्हें हम आदर्श रूप भी कह सकते हैं, जैसे शांति, आनंद, तो कुछ मूल्य सोपान क्रम के निचले स्तर पर होते हैं। ठीक, नैतिक मूल्य अमूर्त होते हैं, इनके बारे में सोचा जा सकता है। विभिन्न नैतिक प्रतिमान जो है इनके मूर्त रूप होते हैं। तो नैतिक मूल्य क्या है, अमूर्त हैं और इनके जो प्रतिमान होते हैं वह मूर्त होते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्या नैतिक मूल्य हैं। और सम्मान करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ों का पैर छूते हैं। पैर छूना क्या है, एक मूर्त रूप है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक, तो जो उसके प्रतिमान होते हैं वह मूर्त होते हैं जबकि नैतिक मूल्य अमूर्त होते हैं। नैतिक मूल्य स्थायी प्रकृति के होते हैं, विशेष परिस्थितियों में ही बदलाव होता है। ठीक, नैतिक मूल्य व्यक्ति के भीतर गहरे स्तर पर स्थित होते हैं। तो ये हैं हमारे नैतिक मूल्य की विशेषताएं। अब चलिए जानते हैं कि शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का विकास या शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे होता है। तो इसके तीन स्टेप हैं। पहला है कि चयन प्रक्रिया के दौरान, किसी भी लोक सेवक का चयन कर रहे हो उसके दौरान नैतिक मूल्य का विकास होगा। दूसरा है प्रशिक्षण के दौरान और तीसरा है सेवा के दौरान। चयन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे अधिकारियों की चयन परीक्षा में जो है उम्मीदवार का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक टेस्ट लेना चाहिए, जैसे कि सेनाओं में दिया जाता है व्यापक पैमाने पर, जो सेनाओं में व्यापक पैमाने पर जो है मनोवैज्ञानिक टेस्ट लिया जाता है भर्ती के समय। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया के दौरान जो है आपको एक टेस्ट लेना चाहिए ताकि नैतिक मूल्य की जांच हो सके। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान, अब जो अधिकारी है जिसको आपको चयन करना है उसका चयन हो गया,
अब उसका प्रशिक्षण होगा। तो प्रशिक्षण के दौरान भी जो है सिविल सेवकों के लिए जो है नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जा सकता है, तो ग्रामीण समाज और सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव करने के लिए क्या कर दो, क्षेत्र में प्रशिक्षण दो, ठीक है, फील्ड वर्क में काम दो, ताकि वे समझ सकें, ठीक है, समाज और ग्रामीण जीवन के जो समस्याएं हैं उनका अनुभूति हो सके, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए लोक सेवकों को। तो प्रशिक्षण के दौरान इस प्रकार आप नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। तीसरा स्टेप में आते हैं सेवा के दौरान। अब सेवा कर रहे हैं तो उनके दौरान क्या कैसे नैतिक मूल्य का विकास होगा, तो कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक मूल्य को महत्व प्रदान करके, ठीक, आचरण संहिता व नैतिक संहिता इनके लिए स्पष्ट होना चाहिए, ठीक, विभिन्न नियम मापदंड इनके लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि इनमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की पूरा व्यवस्था लागू होना चाहिए, पारदर्शिता की व्यवस्था लागू होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो है अपने एथिकल वैल्यूज़ को विकास कर सके। सिविल सोसाइटियों की सक्रियता होना चाहिए, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी हैं उनमें सक्रियता होना चाहिए, ठीक है, सत्यनिष्ठता होना चाहिए इनमें। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है वो एक लोक सेवक में होना चाहिए, ताकि उनके नैतिक मूल्य का विकास हो सके। तो ये है नैतिक मूल्य। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी कार्य व्यवहार आदि के संपादन में महत्वपूर्ण रूप से अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने वाले मूल्य होते हैं, उन्हीं को नैतिक मूल्य कहते हैं, ठीक। अब देखिए नैतिक दुविधा, ध्यान से देखिए, नैतिक दुविधा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक विकल्प हो और वे विकल्प एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो, परंतु किसी एक विकल्प का चुनाव करना अनिवार्य हो और इसमें से कोई एक अथवा अधिक विकल्प नैतिकता से जुड़े हों, इसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। समझ में आ गया, ठीक, परिभाषा को ध्यान से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यह वह स्थिति है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति है, जिसमें आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प हो और पूर्णतः भिन्न हो एक दूसरे से और एक को चुनना जो है अनिवार्य हो, ठीक है, किसी एक को चुनना अनिवार्य है और कोई भी एक पद जो है एथिक्स से संबंधित हो, नैतिकता से संबंधित हो, उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। अब इसी के अनुसार नैतिक दुविधा को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक मूल्य। व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक मूल्य के अंतर्गत व्यक्ति अपने फायदे के विकल्प का चयन करे या उसे जो उसके लिए फायदेमंद ना होकर भी क्या हो, नैतिक हो। जैसे कि आपको एक ट्यूबवेल लगवाना का आदेश है, प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो आप अपने घर के बाहर लगाएं उस ट्यूबवेल को या उस स्थान पर लगाएं जहां सामाजिक हित ज़्यादा हो, जहां अधिक से अधिक व्यक्ति जो है लाभ पहुंचे, तो इस कैटेगरी में आता है वह व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक मूल्य के कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी है कि विभिन्न नैतिक मूल्यों में दुविधा हो, कि आपके पास जो विकल्प हैं सभी जो है सभी के अपने अपने नैतिक पक्ष हैं। जैसे यदि आपके पास एक है गोपनीयता का और एक है आरटीआई का, ठीक है, आप जब लोक सेवक बनते हैं तो आपको गोपनीयता का पालन करना होता है उस संस्था की, किसी भी जानकारी को नहीं देना रहता है। दूसरा होता है आरटीआई का, आरटीआई के द्वारा संस्था की जानकारी मांगी जाती है। अब आप यहाँ एक नैतिक दुविधा की स्थिति में होते हैं कि कौन सा निर्णय लिया जाए, ताकि आपकी गोपनीयता भी भंग ना हो और आरटीआई का जो है जो रूल है उसको भी फॉलो कर सके। अब इनका समाधान कैसे किया जाएगा, तो नैतिक दुविधा का समाधान करने के कुछ यहाँ आपको पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित में निर्णय जो है आसान होता है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ जो है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का जब मामला आएगा तब आप जो है सामाजिक हित का ही चयन करना होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ आसान होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि कोई निश्चित कानून है कि नहीं,
यदि कोई नैतिक दुविधा का प्रश्न आपके माइंड में आता है तो आप देखोगे कि निश्चित कानून है कि नहीं उस चीज़ के लिए। अगर कानून है किंतु पर्याप्त नहीं है तो यह देखोगे कि उसके संदर्भ में कोई नियम है कि नहीं, विनियम है कि नहीं आदि का निर्धारण करके व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ जाकर अपने कर्तव्य का आपको निर्णय करना होगा। ठीक, और क्या समाधान हो सकते हैं? यदि दो मूल्यों में टकराव की स्थिति हो तो कुछ प्रतिमानों को आदर्श रूप में स्वीकार करके कि कौन सा मूल्य अधिक व्यापक व महत्वपूर्ण है उस हिसाब से आप निर्णय लोगे। ठीक, यदि दो मूल्य हैं तो आप देखोगे कि कौन सा मूल्य जो है अधिक व्यापक है, अधिक लोगों को कौन सा मूल्य जो है, कौन सा निर्णय जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है प्रभावित कर सकता है उसके हिसाब से आप जो है निर्णय लोगे। ठीक है, एक होता है सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, वरिष्ठ या अनुभवी अधिकारियों की बुद्धिमत्ता का समावेश करके निर्णय लेना। ठीक है, कि आप जो है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे सलाह ले सकते हो या जो पिछले जो अधिकारी हैं उन्होंने इस कंडीशन में क्या निर्णय लिया था उसके अनुसार जो है, या अपनी बुद्धिमत्ता का जो है वहाँ उपयोग करके जो है आप निर्णय ले सकते हो कि मैंने पिछले समय इस परिस्थिति में किस टाइप से निर्णय लिए थे। ठीक है, तो वे भी एक आधार बन सकते हैं निर्णय लेने में। ठीक है, नेक्स्ट है कर्तव्य निष्ठता व परिणाम सापेक्ष में द्वंद्व की स्थिति में परिणाम सापेक्ष को ध्यान में रखकर जो है आपको निर्णय लेना होगा। ठीक, तो ये हैं कुछ नैतिक दुविधा के समाधान के पॉइंट। ठीक, तो आप इनको देखना है कि नैतिक दुविधा क्या है उसको देखेंगे, नैतिक दुविधा के जो दो प्रकार हैं और उनका समाधान।